अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल. सो अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉलीनोमियल है, सो ए पॉलीनोमियल हैज डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स विथ डिफरेंट कोएफिशिएंट्स, राइट. अलग अलग कोएफिशिएंट्स के साथ एक्स का अलग अलग पावर्स होगा. एंड वंस यू हैव ए पॉलीनोमियल इट विल हैव सम नंबर ऑफ जीरोस डिपेंडिंग ऑन द डिग्री. अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस? ऑब्वियसली कोएफिशिएंट्स चेंज हो रहे तो जीरोस भी चेंज होगा ना, सो ऑब्वियसली जीरोस विल डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक पॉलीनोमियल लेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. प्रीवियस एग्जाम्पल में हम ये पॉलीनोमियल देख चुके हैं. नाउ व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल? जीरोस हम ऑलरेडी देखे हैं, टू एंड थ्री. एंड व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस फाइव, द कोएफिशिएंट ऑफ द कॉन्स्टेंट और एक्स पावर जीरो इज सिक्स. सही है क्या नहीं? सो व्हाट आर द जीरोस? टू एंड थ्री. सो ये टू एंड थ्री, ये माइनस फाइव एंड सिक्स के बीच में कुछ रिलेशन है क्या नहीं? सो लेट अस डू एन ऑब्जर्वेशन. टू प्लस थ्री कितना है? फाइव हो रहा है. देखिए, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज समथिंग लाइक माइनस ऑफ टू प्लस थ्री. ये दोनों रूट्स को ऐड करके, दोनों जीरोस को ऐड करके एक माइनस अगर एक्स्ट्रा डाल दिया तो वो एक्स का कोएफिशिएंट आ गया. एंड टू एंड थ्री को मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आ गया. देखिए, सो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट टर्म आ गया, दोनों को ऐड करके एक माइनस ऐड किया तो एक्स का कोएफिशिएंट आ गया. अब हम देखेंगे ये फ्लूक में आया या बार बार आएगा. एक और एग्जाम्पल देके चेक करेंगे. सो एक और पॉलीनोमियल लेता हूं जिसको एनालाइज करना इजी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स. अब ध्यान से देखिए, पी ऑफ वन जो है वन स्क्वायर माइनस सेवन इंटू वन प्लस सिक्स, कितना आ रहा है? जीरो आ गया. देखिए, इसका मतलब वन इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. एंड पी ऑफ सिक्स, सिक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू सिक्स प्लस सिक्स, ठीक है, थर्टी सिक्स प्लस सिक्स फोर्टी टू, माइनस फोर्टी टू जीरो. ठीक है, मत पूछे कि सिक्स कैसे पता है सर आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको भी पता है. सो हाउ डू यू फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? इज इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लीजिए. सो आई एम नॉट डूइंग इट हियर, बट माइंड में हो चुका है मेरा. सो आप भी करके चेक कर सकते हैं. So, अगर वन एंड सिक्स जीरो से तो ओके. अब इस पॉलीनोमियल में भी एक बार चेक करेंगे, वन प्लस सिक्स कर लीजिए, माइनस ऑफ वन प्लस सिक्स कितना है? माइनस सेवन. देखिए, फिर एक्स का कोएफिशिएंट आ गया. एंड वन इंटू सिक्स कितना है? सिक्स, कॉन्स्टेंट टर्म आ गया. सो द क्वेश्चन इज देयर रियली सम लॉजिक विच इज वर्किंग बिहाइंड दिस चेक? सो चेक करके तो हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ लॉजिक है. इतना अगर बिना लॉजिक का इतना अच्छा सा पैटर्न्स नहीं आते हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉजिक दैट इज वर्किंग हियर? सो द लॉजिक टू दिस इज बेस्ड ऑन द रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम दैट यू हैव लर्नड इन योर लोअर क्लासेस. नाइन्थ क्लास में आप देख चुके हैं. सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? सो रिमाइंडर थ्योरम याद है? रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि कोई भी एक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स को आप एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, बट जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी पी ऑफ ए. सो
So when a polynomial p of x is divided by x minus a, the remainder is p of a. This is called the remainder theorem. And what is the factor theorem or factorization theorem? Factorization theorem क्या है? ये remainder theorem का ही converse जैसा है. ये बोलता है कि if p of a is equal to zero, अगर गलती से p of a zero है, इसका मतलब remainder zero हो गया. कोई भी जब division करते हैं, अगर remainder zero आया तो इसका मतलब क्या है? The divisor is a factor of dividend, right? So if p of a is equal to zero, then x minus a is a factor of p of x. बहुत ही सिंपल थ्योरम है. एक थ्योरम बोलता है कि p of x को x minus a से डिवाइड किया तो the remainder is p of a. दूसरा है, अगर p of a जीरो है तो then x minus a is a factor of the polynomial p of x. ओके, अब ये दो थ्योरम्स का लॉजिक को एक्सटेंड करके can we find the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial? Coefficients or zeros ke beech mein relation nikal sakta hai ya nahi? So let us try to extend the logic. Logic ko thoda sa aur extend karne ke liye koshish karenge. Okay, so let us start doing that. Okay, so dekhiye. So let us start with a quadratic polynomial. Kya hai? Let us start with a quadratic polynomial. Okay. So let p of x is equal to ax square plus bx plus c. Quadratic polynomial ka general form kya hai? X square ka kuch coefficient hoga, x ka kuch coefficient hoga, or you have a c कांस्टेंट. इसमें b एंड c जीरोस हो सकते हैं, बट a अगर जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा. a जीरो हो गया तो वो लीनियर हो जाएगा. a एंड b भी जीरो हो गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो आई विल से दैट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट अस से दैट अल्फा कमा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. दो जीरोस क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसका डिग्री टू है. सो आवर थ्योरम सेज दैट एन nth डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव n जीरोस. सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, इसका मतलब क्या है? दैट इंप्लाइज x के प्लेस में अल्फा पुट किया तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. एंड x के प्लेस में बीटा पुट किया तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. इसका मतलब p ऑफ अल्फा इज जीरो एंड p ऑफ बीटा इज जीरो. एंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन थ्योरम से? अगर p ऑफ अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. एंड p ऑफ बीटा भी जीरो है, इसका मतलब क्या है? x माइनस बीटा इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. एक क्वाड्रेटिक का कितना लीनियर फैक्टर्स हो सकता है? दो ही लीनियर फैक्टर्स हो सकता है ना, राइट? इफ देयर इज वन मोर लीनियर फैक्टर देन इट बिकम्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर का मैक्सिमम दो फैक्टर्स, दो लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, दोनों लीनियर फैक्टर्स आ गए. सो इसका मतलब p ऑफ x जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, सो दिस हैज टू बी ऑफ द फॉर्म x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ये दोनों फैक्टर्स तो होना चाहिए फैक्टराइज करने के बाद. इसके बाद कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट क्वेश्चन तो आ सकते हैं, राइट? सो लीनियर फैक्टर्स तो ये दो ही हो सकते हैं. मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका एक कॉन्स्टेंट फैक्टर हो सकते हैं. दे कैन नॉट बी एनी अलजेब्रिक फैक्टर्स, क्योंकि x इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो एडजस्ट हो चुका है. So ax square plus bx plus c can be written as k times x minus alpha into
x minus beta. ध्यान दे दीजिए, दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस आल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, इसका मतलब माइनस ऑफ आल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आल्फा बीटा. दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स आल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स आल्फा बीटा. ब्रैकेट एक्सपेंशन कर लिया. अब ये दोनों पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब क्या है? हर एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस तरफ ए है, इस तरफ के है. इसका मतलब के शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए. इसका मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स माइनस आल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दोनों फैक्टर्स बाहर करने के बाद जो कॉन्स्टेंट फैक्टर बचता है दैट वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम एज ए. इसका मतलब यहां ए आ जाएगा. दैट्स व्हाट यू हैव डिराइव्ड. एंड व्हाट इज द सेकंड वन? एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेट किया तो बी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स आल्फा प्लस बीटा. इसका मतलब आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय के, बट के इज सेम एज ए. सो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए. एंड थर्ड, सी इज इक्वल टू के आल्फा बीटा, इसका मतलब ए आल्फा बीटा. सो दिस इंप्लाइज आल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. हमारा डेरिवेशन हो चुका है, आप ध्यान से देख लीजिए. इसका मतलब है द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट. सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए. एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इज सिंपली सी बाय ए और सिंपली कॉन्स्टेंट टर्म बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, कॉन्स्टेंट टर्म बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट. सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, अल्फा बीटा इज कॉन्स्टेंट टर्म बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स से आपको और अच्छा सा समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिनोमियल लिया है पी ऑफ एक्स इज समथिंग लाइक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. मान लीजिए इसका दो जीरोस तो होगा, मैं फाइंड ही नहीं करूंगा. मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर टू ऑफ द जीरोस टू द पॉलिनोमियल, इवन विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. मुझे इतना पता है कि ये दोनों का सम जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट इज माइनस फाइव बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री. सो सम ऑफ द जीरोस जो है वो फाइव बाय थ्री होना चाहिए. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? कॉन्स्टेंट टर्म बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सिक्स बाय थ्री. ध्यान दे दीजिए, बहुत बार प्रॉब्लम्स में क्या होते हैं, आपको अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी इंडिविजुअली फाउंड आउट. एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ ये सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज होगा. उसमें आप अल्फा एंड बीटा फाइंड करके इसके बाद सम एंड प्रोडक्ट करने का जरूरत नहीं है. अब डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो डायरेक्टली कोएफिशिएंट से आपको पता चल जाएगा. सो यू कैन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जस्ट बाय लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स.
जस्ट बाय लुकिंग एट दी कोएफिशिएंट्स. इससे फायदा क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 6 और माइनस 7 है. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स टर्म जीरो है, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट तो जीरो है, सो माइनस ऑफ जीरो बाय समथिंग इज जीरो. इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट्स इज जीरो. ये बोल सकता है कि वन रूट इज द नेगेटिव ऑफ द अदर रूट, द रूट्स ऑफ और द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ वन अनदर. एक टू है तो दूसरा माइनस टू, एक थ्री है तो दूसरा माइनस थ्री. सम ऑफ द रूट्स आप बोल सकते हैं कि इवन विदाउट सॉल्विंग सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स टर्म इज मिसिंग. अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज जीरो. इसका मतलब कोई ना कोई एक रूट जीरो होना चाहिए. दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या है, दोनों में कोई ना कोई जीरो होना चाहिए. सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे. सो दिस इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यही डेरिवेशन आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी कर सकते हैं. सेम, अगर सेम कॉन्सेप्ट आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को यूज किया तो देखिए, पूरा डेरिवेशन इस बार नहीं करूंगा बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स में करके दिखाता हूं. सो लेट पी ऑफ एक्स बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. सो लेट दिस बी द क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा, लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस. अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस है तो इसका मतलब है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा आर दी फैक्टर्स बाय फैक्टर थ्योरम. इसका मतलब है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को आप एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं. दीज आर थ्री लीनियर फैक्टर्स. एक कॉन्स्टेंट फैक्टर हो सकता है एंड हम ऑलरेडी देखे हैं कि वो कॉन्स्टेंट फैक्टर ए के हाईएस्ट कोएफिशिएंट का बराबर होना चाहिए. जैसा प्रीवियस केस में हम किया है, के को इक्वल करके आप कंपेयर किया तो दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू ए. ओके, सो दिस इंप्लाइज आप दोनों तरफ ए से डिवाइड कर लीजिए. सो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. जैसा पिछली बार मल्टीप्लाई किया हमने वैसा ही ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, पहले दो को मल्टीप्लाई करिए, जो एक्सप्रेशन आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए. आई वॉन्ट यू टू डू दिस. मैं फाइनल रिजल्ट लिख लेता हूँ. सो आपको आएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा. दिस इज व्हाट यू विल फाइंड. अब लास्ट में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू देखिए माइनस ऑफ बी बाई ए. देखिए लगभग सेम फॉर्मूला आ रहा है, देखिए माइनस बी बाई ए. बट इस बार क्या है, माइनस ऑफ बी का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. इसका मतलब सेकंड कोएफिशिएंट पे फर्स्ट कोएफिशिएंट विद ए माइनस साइन. सो द सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेकंड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट. अगर एक्स स्क्वायर टर्म मिसिंग है ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ध्यान दे दीजिए. अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है इसका मतलब सम ऑफ द रूट जीरो हो जाएगा. ओके, अब मैं और यहां लिख लेता हूं, आई जस्ट राइट द फर्दर रिजल्ट्स हियर. ओके, सेकंड एक्स का कोएफिशिएंट आप कंपेयर किया तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए.
इस बार माइनस नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, प्लस प्लस. सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टू टू रूट्स टेकन एट अ टाइम. मेरे पास अल्फा बीटा गामा है, अब दो दो लोगों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये तीनों का सम जो है वो थर्ड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट, इसका मतलब नेक्स्ट कोएफिशिएंट एक्स, एक्स कोएफिशिएंट बाय एक्स क्यूब कोएफिशिएंट, इस बार माइनस नहीं है ध्यान दे दीजिए. एंड अल्फा बीटा गामा द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स, यहां एक माइनस है देखिए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए. सो फॉर्मूला में माइनस एक बार है, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, सो सो सम ऑफ ऑल द रूट्स डायरेक्टली इज माइनस ऑफ सेकंड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम इज प्लस ऑफ थर्ड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स टेकन एट अ टाइम इज माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म बाय एक्स क्यूब कोएफिशिएंट. सो यहां ए बी सी डी देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइए, एबीसीडी का मतलब है सिर्फ करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स. सो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू टू रूट्स टेकन एट अ टाइम इज एक्स कोएफिशिएंट बाय एक्स क्यूब कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स टेकन एट अ टाइम इज माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म बाय एक्स क्यूब कोएफिशिएंट. सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन द रूट्स ऑफ और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड द करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. यही कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए. वो अभी आपका सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस, आप अपने से एक्सटेंड करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. समझ रहे? सो अगर आप एक्सटेंड किया तो आई जस्ट राइट दी फॉर्मूलाज विच आर गोइंग टू गेट फॉर एनी nth डिग्री पॉलिनोमियल. ओके, सो इफ यू हैव ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट, मान लीजिए आपके पास ये है, इसका कितना रूट्स होगा और कितना जीरोस होगा, एन जीरोस होगा, लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर सो ऑन अप टू अल्फा एन बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो आपका फॉर्मूलाज है, एस वन बोलता हूं, सम ऑफ ऑल द जीरोस टेकन एट अ टाइम, ये सबका सम होगा माइनस ऑफ सेकंड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट. एस टू का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम. सो इसमें दो दो लोग को आप ले लीजिए, जितना अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं, दो दो लोग को लेना है, जितना अलग अलग तरीके से ले सकते हैं सारा ले लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड एस टू, दैट विल बी इक्वल टू ए एन माइनस टू बाई ए एन विदाउट ए माइनस एन. एस थ्री क्या होगा, माइनस ऑफ ए एन माइनस थ्री बाई ए एन. एस फोर ए एन माइनस फोर बाई ए एन, एक फॉर्मूला में माइनस आएगा, एक फॉर्मूला में प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा सो ऑन. एंड फाइनली एस एन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स टेकन एट अ टाइम विल बी लास्ट कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट विद माइनस वन होल पावर एन, क्योंकि ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आते रहेगा. सो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स के लिए माइनस बी फॉर्मूला में आ सकते हैं या प्लस भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द पावर. अगर इवन पॉलिनोमियल है तो, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो लास्ट में डायरेक्टली ए नॉट बाई ए एन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन होल पावर इवन नंबर पॉजिटिव. अगर ऑड डिग्री में, फॉर एग्जांपल क्यूबिक में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज माइनस ऑफ लास्ट कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट. सो ऑड के लिए लास्ट में एक माइनस बचेगा, ऑड डिग्री के लिए, इवन डिग्री के लिए लास्ट में माइनस नहीं बचेगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड the coefficients of a polynomial. बहुत ही important concept है. I hope you understand this concept. इसके ऊपर कुछ sample questions हम करेंगे.